नमस्कार दोस्तों, आपने अपने YouTube चैनल माई लिटिल टेरिस गार्डन BBK में, और आज हम आए हैं बाराबंकी शिवा नर्सरी पर, जो कि बिल्कुल फैजाबाद रोड पर पड़ती है बाराबंकी में, जमुरिया नाले के किनारे और हांडा एजेंसी के बगल में। तो आज हम बोनसाई पेड़ों का देखेंगे, जो इस समय नया कलेक्शन आया है इनके पास। तो ये देखिए, जो बोनसाई अमरूद का पेड़ है, चाइनीज़ अमरूद है, काफ़ी खूबसूरत पेड़ है, बहुत ओल्ड लुक दे रहा है। दोस्तों, इस तरह के इनके पास कई सारे पेड़ आए हैं, जो कि काफ़ी ओल्ड और काफ़ी अच्छा लुक देते हैं, और इनकी कीमत 1200 रुपये, 1500 रुपये और 3500 रुपये तक के पेड़ इनके पास अवेलेबल हैं इस टाइम। और ये देखिए कितना अच्छा इमली का पेड़, काफ़ी अच्छा इमली के जैसा पेड़ है, काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है, बिल्कुल ओल्ड, एक जंगल में जैसे पेड़ लगा होता है, दरख्त बड़ा सा, उसी तरह का ये पेड़ लग रहा है। तो दोस्तों, ग्रीनरी जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है, इन्वायरमेंट को शुद्ध करती है और हमारे आसपास के वातावरण को, पर्यावरण को सुधारती है। तो हमें अब हमारे आसपास इतना स्पेस तो नहीं बचा है कि हम बड़े बड़े दरख्त लगा सकें, लेकिन इतना स्पेस ज़रूर है हमारे टेरेस पर, हमारे बालकनी में और हमारे दरवाजे पर। ये देखिए कितना मोटा पेड़ है, और ये पीपल पीपल का पेड़ है, इसका प्राइस 1500 रुपये हमें बताया गया है कि 1500 रुपये का ये पेड़ है। और ये देखिए, ये भी काफ़ी मोटा और काफ़ी ओल्ड लुक, एरियर रूट्स निकल रही हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पेड़ लगाने की। तो जो हम बड़े पेड़ अपने आसपास अब नहीं लगा सकते हैं, इतना स्पेस नहीं बचा है शहरों में और गांव में भी नहीं बचा है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके से अपने गमलों में पेड़ लगा के उसको बोनसाई रूप दे के, और एक जंगल का और एक ओल्ड लुक पेड़ का ले सकते हैं, और बिल्कुल आनंद ले सकते हैं उस जंगल का, और अपने आसपास का वातावरण कुछ सुधार सकते हैं, अपने घर का वातावरण हम कुछ सुधार सकते हैं। तो इस तरीके से हमें चाहिए कि अगर हम ज़्यादा नहीं कर सकते तो 5 से 10 पेड़ हमें अपने घर पर अवश्य लगाने चाहिए, चाहे वो आउटडोर प्लांट हो। अगर आपको आपके पास टाइम नहीं है तो हम इंडोर प्लांट लगा लें, वो लो मेंटेनेंस और कम देख रेख पर ग्रो करने वाले, सर्वाइव करने वाले प्लांट होते हैं, और ये काफ़ी मोटा प्लांट है जो कि बरगद का पेड़ है। इस तरीके से बना के हम अपने टेरेस पर लगा सकते हैं और एक जंगल का मज़ा ले सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम अपने आसपास बना के, ये देखिए काफ़ी अमरूद का पेड़ है, चाइनीज़ अमरूद का, और काफ़ी ओल्ड लुक दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हो गए हों। और ये देखिए कितना खूबसूरत पेड़ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने छतों पर, अपने दरवाजे पर, अपने बालकनी में पेड़ लगाएं और अपने ग्रीनरी का आनंद लें और अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा सुधारें। हम एक बड़ा पेड़ आदमी को एक साल में, पूरी ज़िंदगी में कम से कम 7 करोड़ की ऑक्सीजन अवेलेबल कराता है, तो क्यों ना इतनी महंगी ऑक्सीजन को हम अपने घर पर पेड़ लगा कर के, और जो है उसको पाने का माध्यम तैयार करें। हम ज़्यादा पेड़ नहीं लगा सकते तो क्या हम अपने टेरेस पर गमलों में पेड़ लगा के, और ये जो
मुफ्त की ऑक्सीजन हमें मिलती है। पूरे जीवन में 7 करोड़ की ऑक्सीजन का हम फ्री में लाभ उठाएं। अब ये देखिए पाकड़ का पेड़ है और ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े से पुराने पेड़ के नीचे हम आकर के खड़े हो गए हों। तो इस तरीके से आप फ्लावरिंग प्लांट भी लगा सकते हैं, आप फ्रूट प्लांट भी लगा सकते हैं, आप बोनसाई प्लांट भी लगा सकते हैं। आपको जो इजीली अवेलेबल हो जाए और आप अपने समय और कार्य के अनुसार पेड़ लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस समय इनके पास शिवा नर्सरी पर ये बोनसाई प्लांट उपलब्ध हैं जो यहाँ से आप ले सकते हैं। और इनकी कीमत 1200, 1500 और 3500 रुपये हमें बताई गई है। तो अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। और मैं फिर कहूँगा कि आप लोग पेड़ ज़रूर से ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।